अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। तो जो लेक्चर नंबर 4 है वो कंटिन्यूशन ही है एनवायरमेंटल साइंस के सेक्शन की। एनवायरमेंटल साइंस में हमने देखा था कि जो अर्थ का एनवायरमेंट है वो तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो है लिथोस्फेयर, जो सेकेंड है वो है हाइड्रोस्फेयर, और जो थर्ड है वो है एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर को हमने लास्ट जो तीन वीडियोस थी उनमें डिटेल से कवर किया। हमने अर्थक्वेक्स को कवर किया, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कवर किया, हमने रॉक साइकिल को कवर किया। और अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो लिथोस्फेयर में से जो एग्जामिनर है वो अक्सर अर्थक्वेक का पूछ लेता है या वो रॉक साइकिल के बारे में पूछ लेता है, और वो कभी कभार जो अर्थ की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मींस के जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो भी पूछ लेता है। उसके अलावा जो लिथोस्फेयर है उसमें कुछ और ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, मींस के जितना लिथोस्फेयर को पढ़ा जा सकता है इस सिलेबस के थ्रू तो वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम जो अर्थ का एनवायरमेंट है उसके सेकेंड कंपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे, जो है हाइड्रोस्फेयर, द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। जिस तरह रॉक साइकिल था उसी तरह वाटर साइकिल का भी एक प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। तो हाइड्रोस्फेयर क्या चीज है? द हाइड्रोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर जो है वो अर्थ एटमोस्फेयर का एक पार्ट है जिसमें हम वाटर को डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इन लेक्स, सी, ओशन एंड पॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो जमीन पर जितना भी पानी है जो कि पाया जाता है लेक्स में, सीज में, ओशंस में, पॉन्ड्स में, वो हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है। अच्छा जी, वाटर को हम थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं कि जो जमीन पर पानी है वो दो किस्म का है, एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है सलाइन वाटर। जो फ्रेश वाटर है वो पीने के लायक है, वो जमीन पर 3% के करीब है, और जो नमकीन पानी है वो 97% है और वो पीने के काबिल नहीं है। तो जो फ्रेश वाटर है जो 3% है वो इंसान कहाँ से एक्वायर करते हैं? वो थ्रू ग्लेशियर होता है, थ्रू ग्राउंड वाटर होता है, और भी दूसरे सोर्सेज हैं, और एक सरफेस वाटर होता है। अच्छा जी, हाइड्रोस्फीयर को तो हमने देख लिया कि दुनिया में जितना भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो जो पानी है वो दुनिया में आया कहाँ से, या जो उसका एक साइकिल है, जो प्रोसेस है वो चलता जा रहा है, वो किस तरह हो रहा है। वाटर नेवर लीव्स द अर्थ, इट इज कॉन्स्टेंटली बींग साइकिल्ड थ्रू द एटमोसफेयर, ओशंस एंड लैंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। द प्रोसेस गोज थ्रू 4 मेजर स्टेप्स, द फर्स्ट वन इवेपोरेशन, द सेकेंड वन कंडेंसेशन, द थर्ड वन प्रेसिपिटेशन एंड द फोर्थ वन कलेक्शन। तो जो जमीन पर जो पानी है वो कभी भी जमीन को छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल हो रहा है, और वो जो रिसाइकिल हो रहा है वो 4 प्रोसेस से होकर गुजरता है। द फर्स्ट वन एवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो जो पहला प्रोसेस है वो है एवेपोरेशन। वाटर मास कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन। मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी लीव्स द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस प्रोसेस इज नोन एज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब है कि बुखारात में तब्दील हो जाना। आपको पता है जमीन पर जो पानी होता है, जब सूरज की शुआएं जो हैं वो तेज होती हैं तो जो जमीन पर पानी होता है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, मीन्स के वो बुखारात की शक्ल में ऊपर आसमान की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू हीट ऑफ द सन, जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो अर्थ को छोड़ना शुरू कर देते हैं, मींस के वो जो दरियाओं में पानी होता है, जो लेक्स में पानी होता है, जो सीज में होता है, जो ओशन में होता है, सन की एनर्जी, सन की हीट जब उन पर पड़ती है तो वो बुखारात की शक्ल में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। तो अभी आपके सामने एक वीडियो है, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह सूरज की जो हीट है वो पानी पर पड़ रही है और जो पानी है वो एवेपोरेट होना शुरू हो रहा है।
अच्छा जी, अब सोर्सेज देखते हैं वाटर एवेपोरेशन के। 90% ऑफ द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स सच एज रिवर, लेक्स, ओशन एंड स्ट्रीम्स। तो 90% जो वाटर एवेपोरेट होता है वो कहाँ से होता है? वो रिवर से होता है, वो लेक से होता है, वो ओशन से होता है और वो स्ट्रीम से होता है। 10% ऑफ द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम प्लांट्स बॉडीज नोन एज एवेपोट्रांसपायरेशन। तो 10% पानी कहाँ से एवेपोरेट होता है? वो प्लांट्स की बॉडी से एवेपोरेट होता है, जिसको हम एवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं। देन एवेपोरेशन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है कंडेंसेशन। एज द वाटर राइजेज हायर इन द एटमोसफेयर इट स्टार्टेड टू कूल एंड बिकम अ लिक्विड अगेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अच्छा जी, जैसे ही पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, अर्थ की एटमोसफेयर में जाना शुरू कर देता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो जो आबी बुखारात होते हैं वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब ठंडे होना शुरू हो जाते हैं तो वो दोबारा लिक्विड की शक्ल में चेंज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो कंडेंसेस होते हैं, मींस के ज्यादा जो वाटर वेपर होते हैं वो ऊपर जाते हैं और ठंडे होते हैं और वो लिक्विड की शक्ल में आ जाते हैं, मींस के बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो फिर क्लाउड्स की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि काले बादल भी बन जाते हैं। तो काले बादल कैसे बनते हैं कि जब बहुत ज़्यादा क्लाउड जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उनमें लाइट जो है वो पास नहीं होती। तो जब वो लाइट पास नहीं होती तो फिर हमें वो काले नज़र आना शुरू होते हैं। तो पहले तो है कि वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और वो ठंडे होते हैं और वो फिर लिक्विड की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। और अगर ज्यादा अमाउंट में जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाकर ठंडा होने के बाद क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब जो क्लाउड्स होते हैं वो ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें लाइट जो है वो पास नहीं होती, तो वो फिर काले बादल की शक्ल में आ जाते हैं। तो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेशन को। व्हेन द वाटर इन द क्लाउड्स गेट्स टू हैवी द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। द वाटर देन गोज इनटू टू एरियाज। तो जब जो बादल होते हैं उनमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो वो फिर जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब जमीन पर गिरना पानी जो है वो शुरू हो जाए तो बारिश होती है, तो बारिश को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, मींस के इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जब बारिश होती है तो वो जो पानी होता है वो फिर दो एरियाज में डिलीवर होता है। अच्छा जी, जब वो दो एरियाज में डिलीवर होता है तो वो जो दो एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सरफेस रन ऑफ और दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन। तो सरफेस रन ऑफ का क्या मतलब है कि जब बारिश जो है वो ज़मीन पर गिरती है तो वो जो पानी है वो ज़मीन पर ही रहता है, मींस के वो किसी नहर में बह जाएगा, वो किसी ओशन में चला जाएगा या वो ज़मीन की सरफेस पर ही रहेगा। और दूसरे स्टेप में या दूसरा एरिया जो है वो कौन सा होता है जहाँ पर पानी जाता है कि जब बारिश जो है वो होती है तो पानी जो है वो कहाँ कहाँ डिलीवर होता है? तो पहला है सरफेस रन ऑफ और दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन। सरफेस रन ऑफ में वो अर्थ की सरफेस पर ही रहता है, जबकि इन्फिल्ट्रेशन में जो पानी होता है वो सतह जमीन के अंदर जाना शुरू कर देता है और सतह जमीन में जाके वो फिर जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है उसके साथ जाकर मिल जाता है। अच्छा जी, हर क्वेश्चन में डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्वेश्चन में डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है। अच्छा जी, इस डायग्राम में आप देख लें कि रेड लाइन जो है वो अर्थ की सरफेस है, एक पानी जो है वो अर्थ की सरफेस पर ही रहता है और दूसरा पानी जो है वो सीप कर जाता है इनटू द ग्राउंड वाटर टेबल। अच्छा जी, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद हम देखते हैं कि पानी जो है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है, मींस के चौथा प्रोसेस जो है वो क्या है। द सरफेस रन ऑफ वाटर विच फ्लोज ओवर द लाइन कलेक्टेड इन स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक
इज कॉल्ड कलेक्शन। तो बारिश जो है वो हुई है, प्रेसिपिटेशन हुई है। जब प्रेसिपिटेशन हुई है तो वो दो एरियाज में डिलीवर हुई है। तो पहला एरिया है वो है सरफेस रन ऑफ, मीन्स के वो सरफेस पर ही पानी रहता है, और दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन, मीन्स के वो सीप कर जाता है ग्राउंड वाटर में। तो जो सरफेस रन ऑफ है उसमें आप देखते हैं कि स्ट्रीम्स शामिल हैं, रिवर शामिल हैं और लेक शामिल है। मीन्स के जब प्रेसिपिटेशन होती है तो वो जो पानी है वो कहाँ पर चला जाता है, वो स्ट्रीम्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है और लेक्स में चला जाता है, जहाँ से फिर दोबारा आबी बुखारात की शक्ल में वो फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाकर वो कंडेंस होता है, कंडेंस के बाद फिर वो प्रेसिपिटेशन होती है, और प्रेसिपिटेशन के बाद फिर कलेक्शन होती है, फिर कलेक्शन से एवेपोरेट होता चला जाता है, और ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है।